हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कटहल की सब्जी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कटहल, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, 3 बड़े प्याज, अब हम अपने कटहल को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए हम लेते हैं एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम अपने कटहल डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। धीरे धीरे कटहल को फ्राई कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर तड़का तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैं प्याज को बारीक काट लूंगी। प्याज हमारा बारीक कट चुका है। अब यहाँ टमाटर को भी काट लेते हैं। यहाँ मैंने टमाटर भी बारीक काट लिया है। अब हम हरी मिर्च ले लेते हैं। और लहसुन, तड़का हमारा तैयार है। और हमारा कटहल भी फ्राई हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ हमने कुकर में तेल डाल देते हैं सरसों का। अब तेल हमारा गरम हो गया, इसमें मैंने डाल दिया हींग, जीरा, काली मिर्च, एक लाल साबुत मिर्च, धनिया साबुत, एक तेज पत्ता। हम मसाले को भून लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कटा हुआ प्याज। अब प्याज को अच्छे से भून लेंगे। अब मैं यहाँ पर डालती हूँ कटा हुआ लहसुन। हमारा प्याज भुन गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। हरी मिर्च,
अब हम अपने मसाले डाल लेते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 गरम मसाला, 1 नमक स्वादानुसार, 1 हम मिक्स कर लेते हैं। लाल मिर्च, कस्तूरी मेथी, अब हम यहाँ पर अपना मिक्स कर लेते हैं। मसाला भुन गया है, अब मसाला हमारा तैयार है। इसमें हम अपने कटहल डाल देते हैं। अब मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी डाल दूंगी। अब मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी। अब मैं यहाँ से 2 से 3 सीटी लगाने के बाद इसको बंद कर दूंगी। अब हमारा कटहल बनकर तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मैं इसे एक सर्व कर लेती हूँ। अब यहाँ डाल देती हूँ हरी धनिया।